डॉक्टरों पर आए दिन हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू के लोगों ने धैर्य रखने की अपील की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि डॉक्टर अपने दायित्व को अंजाम देते हैं और उसके बावजूद भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसमें उनका कोई दोष नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सख्त कानून बनने चाहिए और डॉक्टरों पर हमला करने को गैर जमानती अपराध माना जाना चाहिए। लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मारदाड़ के ऊपर ना उतरें, क्योंकि डॉक्टर्स हैं हम, भगवान नहीं हैं, और हम अपना काम करते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता है। दूसरा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मतलब एक लॉज बनाएं कि डॉक्टर्स के ऊपर जो भी असाल्ट होगा उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया जाए, ताकि फ्यूचर में लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके करने से पहले वो सोचें, 100 बार सोचें। डॉक्टर के लिए हर पेशेंट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, लेबर क्लास हो, हर एवरी सिंगल पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डॉक्टर। और पूरा एफर्ट्स भी मारते हैं, डिस्पाइट उसके बाद भी इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग अग्रेसिव होके असाल्ट करके अब्यूज़ करके, इवन के हमारे फीमेल कोलीग्स हैं, बहुत बार होता है कि फीमेल कोलीग्स पे भी अटैक होते हैं, फिजिकल असाल्ट भी होता है। तो इसी चीज़ को, इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट है कि जो इंसिडेंट वहाँ कलकत्ता में हुआ ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट से ये भी अपील है, गवर्नर से भी, गवर्नर साहब से भी, कि ये जो इस पे कोई ना कोई लाभ बनना चाहिए ताकि नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो। जेके न्यूज़ पॉइंट से रेणु बाला की रिपोर्ट।